पश्चिमी राजस्थान खरीफ के मौसम में ग्वार की खेती के लिए जाना जाता है। यदि किसान भाई ग्वार की वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो यह उनके लिए वरदान बन सकती है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा प्रायोजित कृषि IQ की वीडियो सीरीज के माध्यम से हम किसान भाइयों को ग्वार की खेती के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराएंगे। तो आइए सब किसान भाई कृषि IQ की वीडियो सीरीज से जुड़िए और अच्छी फसल के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमाइए। ग्वार की बुआई का सही समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक है। ग्वार की बुआई मानसून की बरसात शुरू होते ही कर देनी चाहिए। अगर बरसात नहीं हो तो पलेवा करके बुआई करने चाहिए। ग्वार जो फसल है वो मुख्यतः बारानी खेतों की फसल है। इनको असिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा लिया जाता है, तो इसकी बुआई का जो समय है वो निर्धारित होता है मानसून के आगमन से। हम जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ मानसून का आगमन लगभग 15 जुलाई के बाद ही होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही मानसून हो, पहली बरसात अच्छी हो, उसके बाद ही हमें बुआई करनी चाहिए। बुआई से पहले खेत खरपतवार रहित और नमी युक्त होना चाहिए। बुआई में अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे बीज कृषि विभाग की प्रमाणित संस्था या विश्वविद्यालय से खरीदे जा सकते हैं। ग्वार के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए उगाया जा रहा है। एक हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 16 से 20 किलो बीज काफी होते हैं। ग्वार की बुआई सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से की जाती है। इसके आगे वाले बक्से में उर्वरक और पीछे वाले बॉक्स में बीज डालते हैं। अधिक पैदावार के लिए ग्वार की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। बुआई के समय दो लाइनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के वक्त जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी जरूरी होती है ताकि बीजों का जमाव जल्दी और पर्याप्त मात्रा में हो सके। यहाँ पर जनरली किसान क्या है कि जो ग्वार की बुआई करते हैं वो छिटकुआ विधि से करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ग्वार एक तो उसमें खरपतवार ज़्यादा होते हैं, दूसरा कि उसमें निराई गुड़ाई में भी दिक्कत आती है। इसलिए किसान को पंक्ति से पंक्ति में बुआई करनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी के आसपास रखनी चाहिए। बुआई पूर्व पश्चिम दिशाओं में करनी चाहिए ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। किसान भाइयों, बुआई कभी भी छिड़काव विधि से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खरपतवार नियंत्रण में कठिनाई आती है। कृषि IQ वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्वार फसल की सिंचाई के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई की जानकारी के लिए जरूर देखिए हमारा अगला वीडियो, सिंचाई कब और कैसे करें। ये सभी वीडियो कृषि IQ की ऐप से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसे आप अपने एंड्रॉइड फोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।